ऑपरेशन है पूरा का पूरा निकला हुआ पेट से, यहाँ पर बहुत ब्लैडर निकला हुआ है। कोमोड यहाँ नहीं होता है, कोमोड जहाँ है डॉक्टर 24 घंटा केयरिंग में। ये तो आप देख रहे होंगे जेल सुपरिटेंडेंट उसमें क्या है वो देख रहे हैं। हाँ तो वो इसीलिए आपको बता दिया हम कि आप उसको आप जो लिखा है वो कंप्लीट रूप से देख लिए। हाँ उसको हम लोग देख लेते हैं उसको, और कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहा दिन के लिए जबरदस्ती कोई कन्फ्रंटेशन जब हम नहीं, आप स्टेट से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, किसी से कर लीजिए, जो लिखा है आप उसको अपने से अध्ययन कर लीजिए, देख लेते हैं जी जी। और सारा कागजात वहाँ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है भाई मेरा। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के भारी विरोध के बीच मधेपुरा ले जाया गया। रात के लगभग 10:50 पर 30 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया। पप्पू यादव की पेशी के लिए रात 11 मधेपुरा सिविल कोर्ट खोला गया। कोर्ट के कर्मचारी अपने कार्यालय पहुंचे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पप्पू की पेशी हुई। पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बीमारी का भी हवाला, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग की। पप्पू यादव की पेशी को लेकर बड़ी संख्या में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी, फिर भी सैकड़ों समर्थक रात के अंधेरे में जगह जगह डटे दिखे। न्यायिक दंडाधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व सांसद को रिमांड टू जेल का आदेश देते हुए 14 दिन के न्यायिक हिरासत में वीरपुर सुपौल जेल भेज दिया और बेहतर इलाज की व्यवस्था का भी आदेश दिया। रात में करीब 12 प्रशासन उन्हें वीरपुर जेल लेकर चली गई। इससे पहले जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पप्पू यादव को गांधी मैदान थाने से मधेपुरा ले जा रही थी, इस दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस काफिले को रोक लिया। NH-19 पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर लेट कर पुलिस वाहनों को रोका। पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे भाजपा के इशारे पर गहरी साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है, जबकि मैंने पिछले 1.5 महीने से नीतीश कुमार की ही मदद की लोगों को बचाकर। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो मामला हाईकोर्ट में लंबित है उस मामले में कोरोना काल में गिरफ्तारी क्या जरूरी थी? जो सिचुएशन है कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई लोगों से हम कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, हम तो अपनी बात, जैसे कि जो संकट है बीमारी है उसमें तो सुप्रिंटेंडेंट साहब आप इतना तो अधिकृत है कि अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया जाए। यहाँ आपका अच्छा होगा क्योंकि वहाँ हमको मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, कमोड भी है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम स्टेट से लिखवा दिए कि आपको प्रॉब्लम उस वक्त ना है। मजिस्ट्रेट साहब लिखे हैं कि जो जरूरत है वो किया जाए, वही बात वही लिखे हैं। हाँ हम लोग को उसको प्रॉपर वे में जाके करना होता है, देखिए हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम लोग आप हमसे ज़्यादा दुनिया देखें, हम पूरी दुनिया देखें। मेरा हम मेरा कहना था हम आपको बताएं, कुछ भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपको होगा, हमको तो हम चले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा टांगा। लेकिन पूरी दुनिया आज हर दिन वॉल ट्रेंड किया पप्पू यादव, जो दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं है, एक आदमी पूरा वर्ल्ड ट्रेंड किया, पूरा देश क्रांति की ओर हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए तो और अच्छा हो जाएगा कि फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, सुबह बैठ जाएंगे इकट्ठा, वैसे भी बहुत दिन से एक दाना नहीं लेंगे, और क्या छोड़ जाएंगे। मेडिकल में शिफ्ट करवा दीजिए, मेडिकल हम करवा देंगे, हम बोर्ड को छुपा देंगे, बोर्ड का रिकमेंडेशन पर हम करवा देंगे। ठीक है आपको जो अच्छा लगे भाई, तो हम आपको लगेगा कोई बदला, आप हमको एक बात बताइए, अभी हमारे हम गिर जाए बेहोश हो जाए तब आपके बुक बैठा हम आप ही से भाई मेरे पूछते हैं, सच्चाई में आपको बता दिया कि क्या सुबह से खाए नहीं, कंटिन्यू बैठे हुए हैं सुबह से, हमने वो कंप्लीट रूप से बैठने का है, वो किडनी में तो ये है, उसके बाद एक कंप्लीट रूप से 24 घंटे अटेंडेंस चाहिए। Thank you.
करेंगे ना कमोट का लेआउट करा दो मेरा सवा महीना पहले बहुत क्लियर फिर आप लोग जाम लगाने लगे साइड हो जाइए चलो तब उन्होंने लिखा उन्होंने कहा कि कल सुबह हम हायर सेंटर कर देंगे अगर मैं हाईकोर्ट में दोनों होगा होगा तो चलिए अब सवाल उठता है कि 24 घंटा हमको डॉक्टर की केयर चाहिए बिना अटेंडेंट के डॉक्टर के नर्सेस के एक मिनट नहीं रह सकते वहाँ भी 24 घंटा पटना में हो तो डॉक्टर तब हम लोग उन्होंने लिखा तो उसको पढ़िए और उस पर तभी ना कोई बात आप आपको लगे या तो आप मधेपुरा कोविड सेंटर ट्रांसफर कर दीजिए या नहीं तो यहाँ कर दीजिए जहाँ आपको जहाँ लगे लगे मधेपुरा कोविड सेंटर ट्रांसफर कर देना जहाँ कोविड मेडिकल है वहाँ कर दीजिए यहाँ लगे आप यहाँ कर दीजिए यहाँ से कल होगा वहाँ कर दीजिए भी जो पोजिशन है उसमें साफ गाइडलाइन भी है इसमें भी और दोनों चीज आप ही को ना देख रहे हैं उसमें हम नहीं देखिए हमारे डॉक्टर साहब जो जो है मेडिकल अब ये जो मजिस्ट्रेट लिखा वो भी आप ही आपको देख रहे डॉक्टर साहब कमोड है सारी चीजें हैं तो टोटल इनको देखना है तो एक मिनट भी कमोड के बगैर नहीं एक मिनट भी अटेंडेंट के बगैर इसीलिए मैंने कहा या तो आप यहाँ से हमको हायर सेंटर मधेपुरा कर दीजिए या यहाँ रखना हो तो आप यहाँ दोनों जहाँ आपको अच्छा लगे क्योंकि जहाँ मेरी हेल्थ केयरिंग होगी वहाँ जाए आपको स्पष्ट लिखा हुआ उसमें इसलिए आपको कोई सोचने और पूछने की जरूरत नहीं है बताइए कि कोर्ट का आपको आप तो कैसे आप बाहर में होते तो बिल्कुल जेन्युइन चीज है कोर्ट लिखा हुआ है ये जो है मेरे अब कोर्ट में जो लिखा है हम लोग तो कोर्ट में ही लिखे हैं कि जो है उचित चिकित्सीय सुविधा प्रदत्त करें चिकित्सा सुविधा प्रदत्त करें बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट का है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।